Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. Dear kids, I am your smart teacher, Miss Ramin Memon. Dear students, today we are going to learn about backward counting. What? Backward counting. आज हम क्या सीखेंगे? Backward counting सीखेंगे. Backward counting सीखने से पहले हम reading करते हैं. Let's read with me. नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, नंबर सेवन, नंबर एट, नंबर नाइन, 1, 0, 10. तो आज हम क्या सीखेंगे? बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 5 to 1. यस, backward counting from 5 to 1. Which number is this? Number 5. Which number is this? Number 5. तो बच्चों, backward counting में number 5 से पहले कौन सा number आता है? Yes, जल्दी से सोचें और फिर मुझे बताएं कि number 5 से पहले कौन सा number आता है. नंबर वन, नो. नंबर टू, नो. नंबर थ्री, नो. नंबर फोर, यस. कौन सा नंबर आता है? नंबर फोर. तो अब हम क्या लिखेंगे? फाइव से पहले कौन सा नंबर आता है? नंबर फोर. वेरी गुड, नंबर फोर. अब नंबर फाइव से पहले नंबर फोर आता है. अब नंबर फोर से पहले कौन सा नंबर आता है? तो प्यारे बच्चों, अब बताएं कि नंबर फोर से पहले कौन सा नंबर आता है? नंबर वन, नो. नंबर टू, नो. नंबर थ्री, यस. तो कौन सा नंबर आता है? नंबर थ्री. अब यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर थ्री. कौन सा नंबर लिखेंगे? नंबर थ्री. नंबर फाइव से पहले कौन सा नंबर आ रहा था? नंबर फोर. और नंबर फोर से पहले कौन सा नंबर आता है? नंबर थ्री. अब हमें सोचना है कि नंबर थ्री से पहले कौन सा नंबर आता है. यस, बताएं बताएं. नंबर वन, नो. नंबर टू, यस. तो नंबर थ्री से पहले कौन सा नंबर आता है? नंबर टू. कौन सा नंबर आता है? नंबर टू. तो प्यारे बच्चों, नंबर फाइव से पहले नंबर फोर आता है. नंबर फोर से पहले नंबर थ्री आता है. नंबर थ्री से पहले नंबर टू आता है. अब नंबर टू से पहले नंबर कौन सा आता है? नंबर वन. This is backward counting from 5 to 1. Again read with me. 5, 4, 3, 2, 1. Now again. Number 5 से पहले कौन सा नंबर आता है? Number 4. Yes, number 4 से पहले कौन सा नंबर आता है? Number 3. Number 3 से पहले कौन सा नंबर आता है? Number 2. Number 2 से पहले कौन सा नंबर आता है? Number 1. तो प्यारे बच्चों, अब आपको पता चल गया कि backward counting कैसे लिखी जाती है. तो प्यारे बच्चों, अब आप अपने घर में पेज बुक पेज नंबर 13 की प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ आप अपने नोटबुक पर भी बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 5 to 1 लिखने की कोशिश करेंगे.
थैंक यू।